Hey guys, welcome back to the YouTube channel Sunny Capture. आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे iOS 17.5.1 की, जो कि यहाँ पे मंडे को लॉन्च हुआ था और उसे आज 5 दिन हो गए और जानेंगे क्या कुछ बैटरी परफॉर्मेंस देखने के मिली इस अपडेट में, ओवरहीटिंग का इशू देखने के मिलता है कि नहीं, और यहाँ पे क्या यहाँ पे आपको बग्स देखने के मिलते हैं इस अपडेट में, ये सारी चीजें जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों चैनल पे आप लोग पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के साथ। दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले नेटवर्क इशूज की, यहाँ पे क्या कुछ नेटवर्क इशू देखने के मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे बिल्ड नंबर तो आपको सेम ही देखने के मिलता है, तो यहाँ पे आपको नेटवर्क के बारे में बताऊं तो ये फोन टू फोन वेरी करता है। मेरे आईफोन 11 में मैंने एक चीज नोटिस करी, जब भी मैं कोई नई वाईफाई कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है नए वाईफाई को कनेक्ट करने में। 5 या 6 सेकंड या फिर 10 सेकंड का यहाँ पे वेटिंग में दिखाता है, उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट होता है, कभी कभी तो यहाँ पे कनेक्ट भी नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम मेरे को इस अपडेट में देखने की मिल रही है, आपको भी अगर देखने को मिले तो कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों बात करें यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी बिग प्रॉब्लम नहीं देखने की मिलती है यहाँ पे ऐप परफॉर्मेंस में। यहाँ पे क्विकली यहाँ पे टैब्स ओपन होते हैं, टैब यहाँ पे क्लोज होते हैं, और यहाँ पे मैंने मल्टीटास्किंग करके देखिए इस आईफोन में, तो यहाँ पे कोई भी आपको परफॉर्मेंस इशू देखने के नहीं मिलता इस अपडेट में। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे आपको टॉप क्लास की यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देखने के मिलती है इस अपडेट में। दोस्तों बात करें यहाँ पे ओवरहीटिंग की, तो यहाँ पे मेरे आईफोन में जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो यहाँ पे काफी ज्यादा ओवरहीट हो जाता है मेरा आईफोन 11, और यहाँ पे मैं जब भी अपने आईफोन को बिना केस के साथ भी चार्ज करता हूँ तो यहाँ पे काफी ज्यादा मेरे को हीटिंग देखने की मिल रही है इस टाइम पे। दोस्तों अगर आप लोगों को भी ये हीटिंग का इशू देखने की मिल रहा है आपके आईफोन में, किसी भी आईफोन में, तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों बात करें यहाँ पे बग्स की, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी बिग बग देखने के नहीं मिलता इस ऐप में। यहाँ पे ऐप क्रैशेस भी यहाँ पे मेरे को देखने के नहीं मिले हैं, बट यहाँ पे इस अपडेट से पहले या फिर दो अपडेट से पहले यहाँ पे मेरे को टेलीग्राम में यहाँ पे क्रैश देखने के मिलता था, और यहाँ पे YT स्टूडियो में भी ऐप क्रैश देखने के मिल रहा था, बट ऐसा यहाँ पे कोई भी अब यहाँ पे क्रैश देखने के नहीं मिल रहा है। तो काफी अच्छी बात है इस अपडेट में कि यहाँ पे आपको कोई भी ऐप क्रैश देखने के नहीं मिलता है, और यहाँ पे क्रैश के मामले में यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा काम करा है, और यहाँ पे कोई भी ऐप क्रैश देखने के नहीं मिल रहा है इस अपडेट में। दोस्तों यहाँ पे बात करें बैटरी हेल्थ की या फिर बैटरी इश्यू की, तो यहाँ पे देखने के मिलता है कि नहीं। यहाँ पे 5 दिन पहले भी यहाँ पे मेरी बैटरी परसेंटेज 83 थी, तो यहाँ पे अभी भी 83 है, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बैटरी ड्रॉप देखने के नहीं मिलता है। बात करें यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे मेरा लास्ट चार्ज 100% था, और इस बीच में यहाँ पे मेरा 7:12 हो रहे हैं, और इस बीच में मेरा यहाँ पे बैटरी पर 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम है और 23 मिनट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ देखने की मिल रही है इस अपडेट में। और यहाँ पे बात करें यहाँ पे मोस्ट यूज एप्स में मेरा इंस्टाग्राम और यहाँ पे यूट्यूब देखने के मिलता है, तो यहाँ पे इन एप्स को मैं काफी ज्यादा यूज करता हूँ। तो यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस के मामले में बात करें, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी बिग इशू देखने के नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे काफी अच्छी ज्यादा बैटरी लाइफ आपको निकाल कर देता है ये अपडेट। इस अपडेट से पहले, इन दो अपडेट से पहले मेरे को काफी ज्यादा ड्रॉप देखने के मिलता था इस अपडेट में, और यहाँ पे कोई भी ऐसा बिग ड्रॉप देखने के नहीं मिल रहा है, काफी अच्छी ज्यादा बैटरी लाइफ है। दोस्तों बात करें यहाँ पे आपको ये अपडेट करना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने आईफोन में, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छी बैटरी निकाल के देता है और परफॉर्मेंस के मामले में काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता है ये अपडेट। तो यहाँ पे आप लोग बेझिझक होकर इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने आईफोन में। दोस्तों ये था एक क्विक रिव्यू iOS 17.5.1 का। तो दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर हेल्पफुल लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट छोड़ देना। दोस्तों मैं मिलता हूं तुम्हें एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए।